So very good afternoon to all of you. I hope beta you all are fine. Okay beta. And today is Wednesday. Today is Wednesday. और Wednesday हमारा बेटा होता है मैथ्स वर्क. And dear parents, please video on रखे students की and mic off. और बेटा जैसे मैंने आपको instructions दी हैं और आपको blackboard की pics भी जा चुकी हैं, तो आप नोटबुक के मैथ्स की नोटबुक के ऊपर डेट पुट कर सकते हैं. टुडे इज 1st दिसंबर, 12th इज मंथ जो दिसंबर मंथ है, एंड टुडे इज वेंसडे. तो आप डेट पुट कर लें ऊपर. जैसे मैंने आपको बोला है कि आप काउंटिंग के जो भी हेडिंग्स हैं आपने आई होप के सबने पेरेंट्स से लिखवा लिए होंगे. तो आज हम बेटा करेंगे काउंटिंग 141 to 160 की रिविज़न ही करेंगे. टुडे आज हम करेंगे टेबल ऑफ थ्री इन रिटन. पहले हम ऑरल में करते थे, नाउ आज हम ये रिटन में करेंगे. नेक्स्ट इज रिविजन ऑफ ड्रॉ एंड कलर ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड एट द लास्ट रिविजन ऑफ टेबल ऑफ टू. ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद काउंटिंग 141 to 160. आई होप बेटा जैसे हमने आज क्लास में भी बच्चों से खुद करवा के देखी है कि वो ट्राई करे खुद, क्योंकि इसकी रिवीजन हो चुकी है. तो बेटा मैम तो लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, आप चेक कर लेना, बट ट्राई करें खुद लिखने की. ओके, तो इसमें काउंटिंग में क्या होता है, पहले तो आपको ऑरल में अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए आपको. सेकेंड, जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो इसमें हम अपनी फॉर्मेशन जो हमारा राइटिंग पार्ट है उसका बड़ा हम ध्यान रखते हैं. ओके, कि हमने कैसे उसका डिजिट को बनाना है. तो सबसे पहले है काउंटिंग 141. इट मीन्स हम 141 से स्टार्ट करेंगे. हम फर्स्ट ब्लॉक छोड़ देंगे 141. जैसे कि ये 100 है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब 100 और उससे ज़्यादा की काउंटिंग शुरू होती है तो हम थ्री बॉक्स में लिखते हैं उसको. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 100 के लिए. हमने 141, तो हम 41 लिखेंगे. 4 के लिए स्लांटिंग, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, 141. मैं बेटा आपको स्टार्टिंग से ही बता दूं कि बेटा साइज ऑफ द डिजिट शुड बी सेम. ये देखें, ये मैंने सेम साइज के बनाए हैं. मैम ने ऐसे नहीं कि ये 41 जो ऐसे बना दिया, 4 भी उस साइज का बना दिया और 1 फिर छोटा बना दिया, तो ये साइज सेम नहीं है ना. ये देखें, ये 1 का साइज स्मॉल हो गया, तो आपने सेम साइज के बनाना है. जितने साइज का 1 है उतने साइज का फिर 4, अगेन 1. साइज ऑफ द डिजिट शुड बी सेम. ऐसे आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे कि 4 बड़ा बना दिया, 2 छोटा बना दिया, तो ये बिल्कुल फॉर्मेशन आपकी प्रॉपर नहीं होगी. साथ में हम रिसाइट करेंगे 142. टच द डिजिट प्रॉपरली, जहां टच भी करना चाहिए प्रॉपर. ओके, बॉक्स के सेंटर में फॉर्मेशन लिखनी है बेटा. 143, 144. देखो मैम साथ साथ में बोल बोल के लिख रहे हैं, तो इससे हमारी मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं. 145 के लिए पहले स्लीपिंग, देन स्लांटिंग, देन टर्न दिस साइड. 146, 147, इसके बीच में छोटी सी स्लीपिंग लाइन. One hundred forty-nine. So, what is the next number? जहां पर बच्चे प्रॉब्लम करते हैं. 149. Next number is
50। ये देखिए मैंने साइज जो है सेम बनाया है, मैंने 1, 5 यानी कि आप क्या करते हैं मोस्टली 0 छोटी कर देते हैं, तो ये साइज एक जैसा नहीं। बेटा प्लीज, डियर पेरेंट्स प्लीज माइक ऑफ कर दें। फिर आपने 1 बॉक्स को स्किप कर देना है, ऐसे लाइन लगा सकते हैं आप बीच में। नेक्स्ट लाइन इज 151, 152, 153। नेक्स्ट नंबर इज 154, 156, 157, 158। वेरी गुड, अभी तो मैम कर रहे थे, कुछ बच्चों ने डन भी कर लिया। 159 एंड हियर इज 160। अब इसको बेटा जिन्होंने डन कर लिया है ना वो चेक भी करें, मैम भी चेक करते हैं, आप अपनी नोटबुक पे चेक करें, साथ में रिसाइट भी हो जाएगा और यदि मिस्टेक है तो वो भी पता चल जाएगी। 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 150। देखो मैम ने तो चेक कर लिया, ठीक है, तो आपको चेक करने की भी हैबिट होनी चाहिए। ऐसे क्या होता है यदि इनकेस आपका नंबर स्किप कर जाता है तो आपको अपनी मिस्टेक पता चल जाती है और साथ में काउंटिंग लर्न हो जाती है। वेरी गुड, साइड बाय साइड हम इसको करते जाएंगे। ओनली 2 लाइन्स आर देयर। नेक्स्ट इज 1 लिखेंगे। पहले तो हमने ओरल में इसकी प्रैक्टिस की है, अब हम रिटन में करेंगे। टेबल ऑफ 3, तो इसको ट्राई भी करें पहले ओरल में और फिर रिटन में। यदि आपको नहीं लर्न तो मेरा कोई बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप जब लिख लेते हैं, जब लिखा होगा तो बेटा उसको फिंगर के साथ आप रख के लर्न करें तो वो आपको लर्न भी हो जाएगा, आपको उनकी स्पेस भी पता चल जाएगी। टेबल ऑफ 3, जैसे हम टेबल ऑफ 1 के लिए सबसे पहले 1 लिखते थे, 0 के लिए 0, टेबल ऑफ 2 के लिए 2 लिखते हैं, अब टेबल ऑफ 3 के लिए हम बेटा सबसे पहले लिखेंगे 3। सबसे पहले क्या ओरल में आता है, 3 0 0 3। नेक्स्ट बॉक्स में साइन ऑफ मल्टीप्लाई देन 0, 3 0 0 अब इक्वल टू, साइन ऑफ इक्वल टू 0। अब इसको साथ में हम बोलेंगे 3 0 0 0। बेटा आपको साइन ऑफ मल्टीप्लाई और इक्वल टू का पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आप जहां पर इक्वल टू डाल देते हैं, जहां पर मल्टीप्लाई डाल देते हैं, तो आपका वो टेबल रॉन्ग हो जाता है, मेथड रॉन्ग हो जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जहां 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको लर्न नहीं हुआ होता, उनका मेथड ऐसा होता है तो वो फिर रॉन्ग हो जाता है और एक भी आपका डिजिट आगे पीछे हो गया तो सारा टेबल रॉन्ग। इसलिए बेटा आप जो बोल रहे हैं वही लिखें,
थ्री जीरो जा जीरो, फिर थ्री के नीचे थ्री, मल्टीप्लाई के साइन के नीचे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, थ्री वन जा, अब जीरो के नीचे वन, थ्री वन जा थ्री। नेक्स्ट हम बोलेंगे थ्री टू जा सिक्स, थ्री के नीचे थ्री, साइन ऑफ मल्टीप्लाई, थ्री टू जा सिक्स। थ्री थ्री जा नाइन, साथ में बोलना भी है उसको चेक भी करना है, यदि हमें भूल जाता है तो हम फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। थ्री फोर जा ट्वेल्व, देखो मैम जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, दिस इज द करेक्ट मेथड। ये नहीं कि आपने वन टू थ्री फोर लिख दिया फिर आपने जे लिखना शुरू कर दिया फिर आपको मान लो जहां पर जीरो लिख दी तो ये सारा ही रॉन्ग हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मेथड ही आप करें। थ्री फोर जा ट्वेल्व, नेक्स्ट इज थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, इसमें भी बेटा आपने फॉर्मेशन का ध्यान रखना होता है। थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन, अब जहाँ पर टू आ जाएगा जहाँ वन आ जाए। थ्री एट जार ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जार ट्वेंटी सेवन, एंड थ्री टेन जा, अब जहाँ पर ही हम डालेंगे टेन, थर्टी, अब जहाँ थ्री आ जाएगा जहाँ जीरो। अब इसको हम चेक भी करते हैं, थ्री जीरो जा जीरो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन जा थर्टी। तो बेटा चेक करने की हैबिट आपने जरूर डाली, ऐसे क्या हो जाता है हमें लर्न भी हो जाता है और हमें मिस्टेक भी पता चल जाती है, यदि हमने कुछ स्किप किया है वो भी पता चल जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, आपने डन कर लिया है। ओ वाओ वेरी गुड, चेक किया बेटा आपने, ओके। साइड बाय साइड जिन बच्चों का नहीं है कंप्लीट वो करते जाएं, कोई बात नहीं। आज इसको आप लिख रहे हो और साथ में उसको आप नोटबुक पे जब आपने लिख लिया है तो इसको टू टाइम थ्री टाइम अपने पास नोटबुक रख के वहाँ पर फिंगर रख के लर्न करें। जब हम देख देख के लर्न करते हैं तो हमें लर्न अच्छी तरह से हो जाता है। और बेटा आपने जो डिजर्ट है वो प्रॉपर टच, देखो मैम के सारे डिजर्ट जो है प्रॉपर टच कर रहे हैं, कुछ बच्चे जीरो जो है ऐसे बना देते हैं, ठीक है, मतलब उसको प्रॉपर टच नहीं करते, तो प्रॉपर जीरो को टच करना है, आपने जहाँ से शुरू किया वहीं से, ये नहीं ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया वो तो ओ लगेगा ना, आपने जीरो को प्रॉपरली बनाना है। जिनका बेटा डन होता जाता है वो मुझे बता सकते हैं, मैम आई हैव डन,
जैसे कुछ बच्चों ने बोल दिया है कि आई हैव डन, आई थिंक हेयर इज वन, नेक्स्ट हम बेटा मूव करेंगे, ड्रॉ एंड कलर ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, जैसे जो बच्चे स्कूल में आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि जैसे पहले आप बैंगल बैग में रखते थे। यस बेटा, ओके मेरा बच्चा, तो आप अपने स्केल के ऊपर अपने पेरेंट्स से मार्कर से नेम लिखवा सकते हैं, क्योंकि स्केल एक जैसे होते हैं कई बच्चों के, कई बार स्कूल में आप लेकर आते हो तो वो मिसप्लेस हो जाते हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलता जी किसका स्केल है, तो आप स्केल पे नेम लिख सकते हैं जैसे मैम ने अपने स्केल पे लिखा हुआ है। तो हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है बेटा विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, फ्री हैंड नहीं, ताँ जो आपको जैसे पहले आपने बैंगल पकड़ते थे कि उसको बैंगल को पकड़ना आता था आपको, ऐसे अब आपको स्केल को अच्छी तरह से होल्ड करना कि कैसे आपको होल्ड करना है, कैसे उससे ट्राइंगल ड्रॉ करनी है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो आप भी अपने नोटबुक पे ट्राइंगल फ्री हैंड ही स्केल से बनाएंगे। तो मैम आपको पहले ये देखिए मैम ने फ्लैश कार्ड बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस वन, पहले मैम आपको बेटा जी आपकी चॉइस है, कोई भी कलर कर सकते हैं, बट ट्राई करें ब्लैक कलर ना करें, क्योंकि ब्लैक कलर की आपकी पेंसिल की होती है ना, इसलिए आप रेड कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, बट ट्राई करें ब्लैक कलर अवॉइड करें। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप जो है ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, हमने जब स्केल रखेंगे, ये देखें फर्स्ट स्टेप जो है स्केल रखेंगे हम, तो ऊपर से नीचे की तरफ हमने लाइन को ड्रॉ करना है। पहले हमने ऐसे स्केल को अच्छी तरह से होल्ड किया, ऊपर से नीचे मैंने ये एरो बनाया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ऊपर से नीचे को हमने स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है स्लांट में। ठीक है, जैसे हम ए बनाते हैं सिंपल ए। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, पहले तो हमने इस साइड में ड्रॉ की, अब सेकंड दूसरी साइड में भी हम स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ए की तरह लगता है ना, जो हम सिंपल अल्फाबेट ए बनाते हैं। थर्ड स्टेप क्या है बेटा, जब आपने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप स्लांटिंग लाइन बना दी, तो जो इनके एजेस हैं कॉर्नर है, इनको विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने इनको ज्वाइन कर देना है दोनों। और लास्ट स्टेप है आप इसमें सुंदर सुंदर कलर फिल करेंगे इन वन डायरेक्शन, ये नहीं कि कोई इधर कोई उधर करेंगे। सो आप मैम के साथ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए मैंने सबसे पहले स्लांटिंग में स्केल रखा, बट मैंने स्केल को अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है। यदि मैम स्केल को हिला देते हैं तो मैम की लाइन प्रॉपर ड्रॉ नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले आपको स्केल को पकड़ना आना चाहिए, जहां रख दिया है उसको अच्छी तरह से पकड़ लें कि वो मूव ना करे, और ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो जी आपकी विश है आप नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी रहे, बट लाइन क्या है स्लांट में। यदि आपका स्केल मूव कर रहा है हिल रहा है तो वो प्रॉपर ट्राइंगल नहीं बनेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, अब हमारा है सेकंड स्टेप। तो हम इधर से भी ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छी तरह से पकड़ लिया है, होल्ड कर लिया है, दैट्स ऑफ व्हाई जे मूव ना करे।
आराम से उठा लिया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब इनकी जो एजेस हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे बिल्कुल स्लिपिंग लाइन की तरह। थर्ड स्टेप, ठीक है। बट ये ध्यान रखें कि आपका स्केल मूव नहीं करना चाहिए। ये मैम ने स्टेप के अकॉर्डिंगली सारा कुछ कर लिया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। नाउ फिल कलर। तो कलर फिल करने के लिए सबसे पहले आउटलाइन। आउटलाइन करने से क्या होता है बेटा, कलर्स लाइन से बाहर नहीं जाते। और आउटलाइन आपने बहुत ध्यान से करनी, क्योंकि मेन आउटलाइन पे होता है। जब आउटलाइन करते हुए हम इधर उधर बातें करेंगे तो हमारा कलर लाइन से बाहर चले जाएगा। देन फिल कलर इन वन डायरेक्शन। कोई भी आप डायरेक्शन पकड़ लें, जैसे मैम ने इस कलर डायरेक्शन कर रहे हैं, आपका वाइट पेज दिखाई नहीं देना चाहिए। मैम ने भी इसको डार्क कर दिया है बट वन डायरेक्शन में किया है, ठीक है। जैसे सपोज आप मान लो ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये देखें, आपने सपोज के यहाँ पर ट्राइंगल स्केल से ड्रॉ की सपोज, और आप उसमें कलर्स कर दिए ऐसे ऐसे, तो ये अच्छे लगेंगे कलर्स। ये कलर्स अच्छे नहीं लगे, तो आपने ऐसे कलर्स नहीं करने, आपने ऐसे अपने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ओके। विद द हेल्प ऑफ स्केल, क्योंकि अब थोड़े आप बड़े हो गए हो तो आपको स्केल को होल्ड करना, कि उसको कैसे पकड़ना है, उसको कैसे मूव नहीं होना चाहिए, जी आपको थोड़ी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपने बनाना। अब हम लास्ट स्टार्ट करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो बच्चे कर रहे हैं साइड बाय। ओ वाओ, दिखाओ मेरा बेटा, बहुत सुंदर बनाएंगे। वेरी गुड, वेल डन। हाँ बेटा, अब हमारा लास्ट है टेबल ऑफ टू। तो मैम जी चाहते हैं, क्योंकि इसकी हमने काफी बार प्रैक्टिस की है ना टेबल ऑफ टू की, तो मैम चाहते हैं आप ट्राई करें कि टेबल ऑफ टू खुद लिखने के लिए, और फिर आप अपने पेरेंट्स को दिखाएं, जहाँ अपने क्लास टीचर को भेजें। दैट्स ऑफ वाई टीचर को भी पता चले, और आपके मम्मा जो पापा है साथ में जो भी पढ़ा रहे हैं उनको भी पता चले कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है टेबल ऑफ टू में। सो लेट्स स्टार्ट। ओ वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। सुंदर कलर की है, ऑरेंज कलर। वेरी गुड बेटा। और बेटा अब आपने स्टार्ट करना है टेबल ऑफ टू। और डियर पेरेंट्स, देखें आपके बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही टेबल ऑफ टू लिखने में। यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को लर्न नहीं है, तो प्लीज़ इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बच्चे को लर्न करवाएं, पहले ओरल में देन रिटन में, क्योंकि हमने जो काफ़ी बार करवा दिया है। तो आज हमने जो चेक किया है ऐसे क्लास में भी, किस बच्चों को टेबल ऑफ टू की प्रॉब्लम आ रही है, किन को वो लिख रहे हैं अपने आप आ रहा है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप भी देखें, बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं आती, और इन केस आती है तो आप बच्चों को लर्न करवाएं। तो बेटा लेट्स स्टार्ट टेबल ऑफ टू। पहले टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, टू वन ज़ा टू, टू टू, साथ में जब उसको बोल के लिखेंगे तो आपको वो अच्छी तरह से आप उसको लिख भी पाएंगे और लर्न भी कर पाएंगे। अभी बेटा हमारा टाइम बिल्कुल कम रह गया है इस क्लास के लिए,
तो ये क्लास जब फिनिश हो जाती है आपने फिर इसी लिंक को रीजॉइन कर लेना है। रीजॉइन करने के बाद हम इसमें मैथ्स ऑरल करेंगे, और जब आपका वर्क हो जाएगा जो हमने आज वर्क किया है काउंटिंग 141 टू 160, टेबल ऑफ थ्री, ड्रॉ एंड कलर ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड टेबल ऑफ टू, तो ये पिक्स आपने वर्क करने के बाद अपने क्लास टीचर को सेंड कर देनी है। ओके जी, वेरी गुड। देखते हैं आज किस किस को टेबल आता है और किसको टेबल में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा बेटा यदि नहीं आएगा तो कोई बात नहीं कि मुझे टेबल नहीं आता, आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं और फिर मम्मा को बोले कि मैंने जो लिखा है मैं इसको 5 times 6 times लर्न करके मम्मा को या पापा को सुनाएं। जितनी बार आप सुनाएंगे फिर आपको लिखना भी आ जाएगा। सो लेट स्टार्ट बच्चे। टेबल ऑफ टू, सो बेटा आपने जब आपका टेबल ऑफ टू कंप्लीट हो जाए तो मैम आपको बीच में थोड़ा सा टाइम देंगे, आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि कंप्लीट नहीं है कोई बात नहीं, आप साइड बाय साइड उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड। आपको साइन ऑफ मल्टीप्लाई यदि आप बोल बोल के साथ में रिसाइट करके लिखेंगे मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो मैम जी इस क्लास को जहाँ पर फिनिश कर रहे हैं तो आपने मैथ्स ऑरल के लिए इसी लिंक को ज्वाइन कर लेना है। ओके okay?